अंतिक्रोह हुआ, लेकिन हमारे बच्चों के मन में आया कि जो हमारा सदगुरु रविदास जी का धर्मस्थल प्रार्थना स्थल को वहाँ जाए और मत्था टेके। जब बच्चे हमारे वहाँ चले गए, हमारे बच्चों को फंसाने के लिए गलत लोग अंदर घुसे और वहाँ पर उनको फंसाने के लिए आंदोलन को गलत दिशा दी गई। तेरे नर दोज कजाएंगे सतबा के रविदास, ऐसा चाहूं रात में जहाँ मिले सबन को अनुमंदा, छोट बड़ा सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। गली गली से आई आवाज, जय रविदास। गली गली से आई आवाज, जय रविदास। गली गली से आई आवाज, जय रविदास। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भीम। साथी हो, गुरु प्रेमी हो, मिशन तुगलकाबाद पूरे देश दुनिया में सदगुरु रविदास महाराज जी की अनुयायी और बहुजन समाज के महापुरुष अन्य उनके अनुयायी और भक्त और जितने भी बाबा साहब के नाम से संगठन चल रहे हैं, सभी संगठन लगभग अगस्त 10 से पूरे देश दुनिया में लोग चिंतित हैं, क्योंकि 10 अगस्त को सतगुरु रविदास महाराज जी का धर्मस्थल डिमोलिशन किया गया कोर्ट के आदेश से। डीडीए के माध्यम से, प्रशासन दिल्ली के माध्यम से, उसके बाद में सभी संतों और महापुरुषों से डिस्कशन करके 21 अगस्त के दिन जो रामलीला मैदान में हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे देश दुनिया से जम्मू से लेकर तेलंगाना आंध्र से लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश यूपी छत्तीसगढ़ झारखंड नेपाल असम सभी जगह उसके बारे में डिस्कशन करके संतों और महापुरुषों को संगत को बताया गया। पूरे देश से 21 तारीख के दिन सदगुरु रविदास जी को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले और बहुजन समाज के महापुरुषों को मानने वाले, उस दिन सभी लोगों ने
धरना प्रदर्शन में आए, संतों के आदेश से जो मार्च निकला अंबेडकर भवन से लेकर रामलीला मैदान तक शांतिपूर्वक हुआ। लेकिन हमारे बच्चों के मन में आया कि जो हमारा सदगुरु रविदास जी का धर्मस्थल प्रार्थना स्थल को वहाँ जाए और मत्था टेके। जब बच्चे हमारे वहाँ चले गए, हमारे बच्चों को फंसाने के लिए गलत लोग अंदर घुसे और वहाँ पर उनको फंसाने के लिए आंदोलन को गलत दिशा दी गई। उसके बाद में सदगुरु रविदास महाराज जी के प्रार्थना स्थल को गिराकर जो आंदोलन वहाँ किया गया, सरकार ने हमारे तरफ ठीक तरह से देखा नहीं गया या हमारी जो मांग थी उस बारे में उन्होंने थोड़ा ही हमारे तरफ चिंतन नहीं किया, पूछा नहीं गया। उसके बाद में हमारे समझ में आया, इतनी बड़ी ताकत दिखाने के बाद सरकार हमारे को सहयोग करने की कोशिश में नजर नहीं आ रही थी। 27 तारीख को वापिस यहाँ के टीम ने हमारे साथ बैठकर डिस्कशन किया। उसके बाद में हम लोगों ने पत्रकार परिषद ली और वापिस सरकार के नजरों में लाके दिखाने का काम 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया गया। फिर सरकार को इसका नेतृत्व पता चला कि तुगलकाबाद की कमेटी संस्था और जो ये दिल्ली के सब हमारे साथ, पंजाब से तो सभी संत महापुरुष सब इस मिशन में जुड़े थे और जुड़े हैं, हरियाणा से भी हमारे संत महापुरुष निर्मल लाल सिंह वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, 108 संत हितकारी महाराज भी जुड़े हैं, केसी रवि जी भी जुड़े हैं, यहाँ की कमेटी अशोक भारती जी, एम आर बाली जी और हमारे दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण संगठन हमारे साथ बैठे वहाँ पर। इस आंदोलन को चलाने के लिए सेंटर कमेटी बनाई गई और इस आंदोलन को कैसा चलाना है उसका नेतृत्व तय किया गया और उसके माध्यम से लगातार हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। एक महीना मंदिर डिमोलिशन करने के बाद 10 तारीख का जो पूजा का दिल्ली के संगत ने सभी ने मिलकर तुगलकाबाद में जाकर सदगुरु रविदास महाराज जी का प्रार्थना और पूजा का और आरती का कार्यक्रम रखा था वो पूरा हुआ। उसके बाद में हमारे दिमाग में आया कि जो हमारे साथ सरकार कर रही है, बात तो कर रही है,
डिस्कशन तो हो रहा है, लेकिन ना हमें सरकार की तरफ से बैठकर कोई फाइनल डिसीजन दिया गया, डिस्कशन और चर्चा हो गई। उसके बाद में जो हमारे बच्चों के बारे में बार बार हम सुन रहे थे कि उनके बारे में आज बेल होगी, कल बेल होगी, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें वकीलों के हमारे तीन गट बने हैं और जैसा जिस ढंग से काम करना चाहिए उस ढंग से काम नहीं हुआ। सबसे पहला एक या दो बच्चों की अपील करनी चाहिए थी, इन्होंने लगभग 50-60 बच्चों की ऐसी कोई अपील की, इसके कारण वो प्रॉब्लम हमें सरकारी वकीलों ने और जो सरकार की तरफ से हमारे साथ इस हुए हुए सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं उनके साथ जब मीटिंग हुई तब ये पता चला। उसके बाद में हमारे दिमाग में आया कि मिशन तुगलकाबाद जब तक काम करेगी, जब तक सदगुरु रविदास जी का धर्मस्थल वहाँ नहीं बनेगा और जब तक ये बच्चे हमारे नहीं छूटेंगे तब तक मिशन तुगलकाबाद मिशन काम करेगी। एक महीना बच्चों को जेल के अंदर जाकर हो गया, तो हम लोग 21 तारीख को बच्चों को जेल में डाला गया था, ले गए थे, तो मिशन तुगलकाबाद बच्चों के लिए जंतर मंतर पे वापस धरना प्रदर्शन करेगी कि वे बच्चों को बिना शर्त सरकार रिहा करे। इसलिए आज का धरना यहाँ पर किया गया है, इसके लिए लगभग हम लोग 8 दिन से रात दिन पूरे दिल्ली के हर मंदिरों में जगह जगह जाकर सभी को समझाने का काम किया कि भैया हमको 21 तारीख के दिन बच्चों के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठा होना है और सरकार से मांग रखनी है। अभी रही बात हम लोग सिस्टम को पकड़कर काम कर रहे हैं, अगर हम सिस्टम छोड़कर कुछ काम करेंगे तो उसके परिणाम समाज को भोगना पड़ेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि समाज कुछ उसके परिणाम गलत भोगे। देखिए ये आज की लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल की लड़ाई है और ये हजारों साल से आज आपके ऊपर आज मंदिर नहीं गिराया, आज आपके ऊपर शोषण नहीं किया जा रहा है। हजारों साल से ना आपको प्रार्थना स्थलों के अधिकार थे, ना आप भक्ति कर सकते थे, ना आप कहीं मंदिरों में जा सकते थे। ऐसे व्यवस्था में हजारों साल से आप लोग सफर कर रहे हैं और जो ये जो हुआ है ये सतगुरु रविदास महाराज जी ने स्वयंभो अपने ऊपर आज दिए हैं। इसलिए कि हजारों साल से हम लोग ना इनकी व्यवस्था को समझ रहे, ना हम लोग ठीक तरह से कोई सिस्टम से चल रहे, इसीलिए ये मौका हमें सतगुरु रविदास जी ने दिया। दुख होता है बच्चे अंदर गए, क्या दुख
ये नहीं कि सदगुरु रविदास जी का प्रार्थना स्थल गिरा दिया, ये दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख आपके आस्था को, आपके प्रार्थना स्थल और धर्म के इस व्यवस्था ने ठेस पहुंचाई है। ये चाहते हैं कि आपको ना आपकी कोई सिस्टम बने, ना आपकी कोई व्यवस्था रहे, ना उस सिस्टम के आप मालिक रहे, आप ऐसे ही आपस में भेदभाव करते रहे और फिर इसका फायदा उन लोगों को मिले। इसीलिए हम चाहते हैं क्या ये संघर्ष जो बच्चों के अभी पिताजी है या कोई रिश्तेदार है, उन्होंने तो बाद में हमारे पास रखा, हम तो इससे पहले ही जंतर मंतर पे आंदोलन का तय किया ना। ये क्यों तय किया था? बच्चों के लिए किया ना, ये तो बाद में आए ना। मुझे लगता है वो एक मीटिंग में आए थे मोहन गार्डन में, उन्होंने हमें बताया कि मेरा बच्चा पकड़ा है, अंदर है। तो तुरंत वही मोहन गार्डन में सभी ने अपने जेब से निकाल कर लगभग 11-12 हजार कुछ तो उनको वहां दिया गया था, इन्हीं को दिया गया था। अभी ये दिल्ली के हैं, इनको ये तो पराए दूर से तो नहीं है, इनको तो सब पता है कि कौन कहाँ है, जाना चाहिए वहाँ, बताना चाहिए जो आपका प्रॉब्लम है, कौन लोग हैं, उनके पास बैठकर डिस्कशन करना चाहिए। इन्होंने अभी तक तो हमारे पास आकर उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। चलो मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आज भी आप हमारे पास आ जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम जो है सिस्टम से बताओ, हम आपको हेल्प करेंगे, जितना हो सकता है मदद करेंगे। इसीलिए हम रात दिन मिशन तुगलकाबाद की पूरी टीम और इसको चलाने के लिए जो सेंट्रल कमेटी बनाई है, ये सब लोग मिलके इस कार्य को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ हम लोगों को कुछ कुछ लोग हमें बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत कुछ वो कर सकते हैं या उनको इस व्यवस्था के बारे में पता है। क्या हमने किसी को रोका है? हमने किसी को रोका है? तो आप लोग कर सकते हैं, अगर हमसे ज्यादा आपको पता है तो इस ये हमारा दुख नहीं है, ये पूरे दुनिया का दुख बन चुका है। और ये केवल रविदास का नहीं है, ये जिस कैटेगरी में माना जाता है ये पूरे कैटेगरी के, एक कैटेगरी के लोगों का दुख है। जितने को भी शूद्र दलित कैटेगरी को बोला जाता है उतने लोगों का ये दुख है। तो हमें सबको मिलके इसको सॉल्व करना है। हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप दिल्ली वाले कितना बड़ा सहयोग दिया, 7 दिन यहाँ पर आप लोगों ने लंगर, 2 डबल डबल लंगर खिलाया, कितना बड़ा सहयोग धन का किया। ये जो खर्चा होता है ये आपके पैसे से हो रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपकी विचारधारा से जो जुड़कर कि समाज के लिए जो ये समय दे रहे हैं इसकी ऊर्जा आप लोग हैं। और हो सकता है कुछ हमसे भी इस व्यवस्था में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, तो आपको बताने का हक अधिकार है, आप बता सकते हैं। हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि आप हमें नहीं बता सकते, जरूर आपको जो बताना है बता देना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारा समय यहाँ ये तय हुआ था कि लगभग हम 11 से 10 बजे से 11 बजे तक इकट्ठा हो गए, उसके बाद में हम 1-2-3 घंटा यहाँ
हम अपने विचार इस मिशन के बारे में समाज के अंदर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से हम सब लोग मिशन तुगलकाबाद के प्रार्थना स्थल को वहाँ मत्था टेकने निकलेंगे। हम लोग एक रैली के रूप में निकलेंगे। कोई ये मेरा संदेश आप गहराई से समझ लो। आप दुखी ना होना, आप दुखी ना होना कि आपका काम क्यों नहीं हुआ, कि आपका मंदिर गिराकर लगभग आज मुझे लगता है 2 महीने के करीब हो रहा है। तो 2 महीने में हमारा क्यों नहीं जमीन सरकार ने दी, तो ये काम साधारण नहीं है और ये काम छोटा नहीं है। ये काम सदगुरु रविदास जी की एक कृपा आशीर्वाद है। विश्व को जगा कर कर ये काम होने वाला है, पूरे दुनिया को जगा कर कर ये काम होने वाला है और वो काम चालू है। क्या हम दिल्ली में ही काम कर रहे हैं? क्या नहीं, पूरे दुनिया में लोग जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे हर स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है, तहसील में है, दुनिया के हर यूरोप के कंट्री में, धरती के ऊपर सब जगह लोग बैठ रहे हैं। तो क्या ये क्या हो रहा है? ये आपको एकता देने का काम, जागरूक होने का काम हो रहा है। क्या आज हम लोग यहाँ से अगर निकलेंगे तो ये मुझे लगता है ये सरकार हमें जाने नहीं देंगे। लेकिन जहाँ तक ये जाने देंगे, अगर शांतिपूर्वक वहाँ तक जाने देंगे तो हम भी शांतिपूर्वक जाएंगे। अगर नहीं जाने देंगे, जहाँ वहाँ हमें चाहे वो रोके, चाहे वो गिरफ्तार करे, चाहे जो उसकी मर्जी है, हमारे तरफ से कोई भी बुरा कदम नहीं उठाना, ये संदेश हमारा आप सब लोगों को है। भले आज के धरना में हमारा काम हो या ना हो, हम लोग जब तक ये हमारी दोनों मांग पूरी नहीं होगी, एक मांग तो सदगुरु रविदास की वही जमीन और बढ़कर जमीन चाहिए, और जो गिराया है वो उसका मुबदला भी लेंगे, और जिन्होंने गिराने का काम किया है उनको उसका जो भी उनकी हमारे को जो दुख पहुंचाया उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। तो जब तक ये काम पूरे नहीं होगे तब तक ये आंदोलन चलने वाला है। ये आज एक दिन का आंदोलन नहीं है, और हम लोग एक शांति से इस सरकार को समझाना चाहते हैं। संतों और महापुरुषों के वचन है, संतों और महापुरुषों को वचन के माध्यम से दुनिया चलती है। ये सरकार की व्यवस्था से दुनिया बाद में चलती है, लेकिन ज्ञान का, ज्ञान का, व्यवस्था का भंडारा अगर इसमें भरा रहता है तो संतों और महापुरुषों के कारण, उस वाणी के कारण आधार होता है। इसलिए हम लोग अपने संतों और महापुरुषों के वाणी पे विश्वास और भरोसा रखकर हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने मांग हक अधिकार लेने तक ये संघर्ष चालू रखेंगे। रखना है। अभी एक काम करो, ये कुछ भी नहीं है, दिल्ली में तो बहुत लोग हैं, आप हर व्यक्ति क्यों ये बताओ कि हमारे सदगुरु रविदास जी के ऊपर अन्याय हुआ है और हमारे बच्चे 96 पकड़े है, तो इसका संघर्ष पूरे दुनिया में चल रहा है। तो आओ दिल्ली वाले लोगों, जब भी आपको पुकारा जाएगा, जब भी आपको आवाज दिया जाएगा, आप पूरे लोगों को आके संघर्ष करना चाहिए। बस यही साथ आप लोगों का मुझे चाहिए। हम लोग आज के धरने के बाद बच्चों के लिए काम करेंगे कि जिसको शायद हमारी टीम है उसके अंदर एक टीम तैयार की है कि उसके अंदर
जो भी है आप लोग उनके साथ बातचीत करके जो बच्चों के बारे में पूछेंगे मांगेंगे तो आप जरूर उनको देना, तो हम लोग उसके लिए काम करेंगे। और आगे की तारीख बहुत सोच समझकर हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रचार रुकना नहीं चाहिए। मैं विशेष पूरे टीम को बता रहा हूँ, हमारा प्रचार रात दिन चलना चाहिए। और जब हमारी तारीख जो है आगे की, जरूर हम आपको बताएंगे। आगे की तारीख का आपको इंतजार करना है, आओ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।